Hello everyone and welcome to discussion of CLAT's 2024 paper. Myself Sujay Dikshit. चलिए तो शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो, सबसे पहले पैसेज आया था अपना यहाँ पर जुविनाइल जस्टिस के केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ चिल्ड्रन पे. बहुत ही इजी पैसेज है. देखो इसमें इफ यू विल नोट आई हैव हाईलाइटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई फाइंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द पैसेज. और अगर क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन सारे डायरेक्ट आए. जैसे अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं. चलो, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जुविनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट. एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी सबसे मेन ऑब्जेक्टिव. तो पहला, टू पनिश चाइल्ड ऑफेंडर्स, तो हो ही नहीं सकता. दूसरा देखो, टू रिहेबिलिटेट एंड री इंटीग्रेट चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, यही है बिल्कुल. सी देखो, टू रिमूव ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, और डी टू इंक्रीज द एज ऑफ क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो डी तो वैसे ही कट गया, और सी टू रिमूव ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस. तो देखो वायलेंस जो है ना, अभी ये एग्जैक्टली पॉइंट नहीं है, तो अपन यहां पर आएंगे. आते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में. देखो, विद द अल्टीमेट गोल ऑफ देयर रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन इन टू द सोसाइटी. तो ये पॉइंट दिख गया, सामने लिखा हुआ है, तो फिर बी अपना आंसर है. आगे बढ़ते हैं. हु मेड अप जुविनाइल जस्टिस बोर्ड, तो देखो सिंपल आंसर सी आंसर, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड टू सोशल वर्कर्स. अब आप सोचो कहां से आ रहा है, ये रीलाइन देखो. दीज बोर्ड्स कंसिस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड टू सोशल वर्कर्स. तो आगे अपना आंसर यहां पर ये सी. अब आते हैं 55 में, विच व्हाट इज द रोल ऑफ जुविनाइल जस्टिस बोर्ड. तो जुविनाइल जस्टिस बोर्ड का क्या रोल होता है, देखो गिवन चॉइसेस में से सी देखो एक बार, टू एसेस द एज एंड सर्कमस्टेंस ऑफ जुविनाइल एंड मेक डिसीजन ऑन द रिहेबिलिटेशन. अब देखो पैसेज में अगर हम देखें तो ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स कौन सी है, ये द सर्कमस्टेंस वाली. देखो यहां पर जुविनाइल जस्टिस एक्ट इज टू डिटरमाइन द एज ऑफ अ जुविनाइल, द सर्कमस्टेंस इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड. तो ये जो अगर अपन इसको आगे पढ़े ना यहां तक, तो उससे अपने को समझ में आ जाएगा कि ठीक है फिर इस गिवन में तो यही सी सबसे बेस्ट आंसर अपना होता है. आगे बढ़ते हैं 56 में, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. तो देखो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ डायरेक्ट मार्क्ड है पैसेज में, ठीक है, ये पूरा अपने को पॉइंट ही मिल जाएगा. चाइल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, देखो मेरे क्रॉस हेयर को देखो, ये रहा द चाइल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज द वन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस व्हाइल द चाइल्ड, ये आ गया, इन केयर एंड प्रोटेक्शन इज वल्नरेबल टू द रिस्क. तो ये देखो अब एक बार जरा मैं वापस इस पे आ रहा हूं, द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ पे यहां पर ये अपना ये आ गया देखो, है ना. तो अब जैसे देखो ये ऊपर लिखा है देयर इज नो, ए ऑप्शन में देयर इज नो डिस्टिंक्शन, बोथ द टर्म्स आर सेम. तो देखो वो तो सेम कैसे हो सकती है जब ऊपर ही अलग लिखा हुआ है, तो कट गया ए ऑप्शन. अब बी देखो एक बार, क्या ये सेम है बात, बिल्कुल सेम बात है, तो ऑप्शन बी बन गया अपना आंसर, परफेक्ट है. अब देखो नीचे के जो दोनों है ना, ये ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस कैन चिल्ड्रन बिटवीन एज 16 एंड 18 बी ट्राई एज एडल्ट. तो देखो यहां पर सिंपल सी बात है, सारे ऑप्शन पढ़ोगे ना, सिंपल बात देखो, आफ्टर अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय द जुविनाइल जस्टिस बोर्ड. अब अगर अपन पैसेज के अंदर देखें तो ये वाली बात कहीं लिखी, देखो ये लिखी सब्जेक्ट टू अ प्राइमरी असेसमेंट बाय द जुविनाइल जस्टिस बोर्ड, लिखिए लाइन यहाँ पे, तो यहां से क्लियर अपना आंसर निकल के आ रहा है ना. अब लास्ट देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेसिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू जुविनाइल ऑफेंडर्स. तो क्या लिखा है, टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड. तो देखो पैसेज में देख लेते हैं कहीं पर लिखा है क्या, ये रही लास्ट लाइन, बढ़िया. तो देखो इससे अच्छा क्या हो सकता है, सिंपल सामने इजी सा पैसेज, तो बिल्कुल इजी कहूंगा इसको, है ना, सारे ऑप्शन बहुत ही इजी और बहुत बढ़िया. चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो बेटा, अब डिफेमेशन के ऊपर बेस्ड अपना पैसेज है. अगर देखा जाए ना तो ये एक्चुअली देखो किससे कवर कर रहा है, श्रेया सिंगल का जजमेंट है. क्लास में भी कई बार मैंने पढ़ाया था, स्टूडेंट्स को याद है, क्लास में हमने श्रेया सिंगल के बारे में बात की थी, हमने क्लास में आईटी रूल्स के बारे में बात की थी. तो ये ऑनलाइन डिफेमेशन है रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में. तो अब अगर अपन इस पैसेज को पढ़े ना, तो चलो आओ देखो, ये भी बिल्कुल बहुत सिंपल सा पैसेज है. सो व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज. अब देखो फिर से वही बात, फोकस नहीं पूछ रहा, प्राइमरी फोकस पूछ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट फोकस क्या होगा. तो पहला देखें, द राइज ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया, नहीं. नेक्स्ट, द लीगल एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन डिफेमेशन इन इंडिया. अब देखो ये एक जनरल ऑप्शन है क्या, कईयों को लगेगा बी आंसर होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये एक जनरल ऑप्शन है. अब आप एक बार जरा नीचे देखो, द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन ऑनलाइन कंटेंट. अब ये अगर आप पैसेज पढ़ोगे ना, तो आपको इसमें कई जगह पर द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज दिख जाएगा, ठीक है, कहीं भी पढ़ोगे ना, तो बीच बीच में आप देखना जो ये पैसेज टारगेट कर रहा है वो बार बार इंटरमीडियरीज पर ही, ये देखो ये लिखा, ऑल सिमिलर दैट इंटरमीडियरी शुड नॉट टेक प्रोएक्टिव रोल. तो इंटरमीडियरीज पे बेस्ड है, देयरफोर
बेस्ट जो प्राइमरी फोकस है वो यहां पर बनना चाहिए, द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन ऑनलाइन कंटेंट. जनरलाइज आंसर भी मुझे लगता, स्पेशलाइज क्वेश्चन, स्पेशलाइज पैसेज, तो स्पेशलाइज आंसर ही होना चाहिए, सी आंसर. आगे बढ़ते हैं. वॉट इज ऑनलाइन डिफेमेशन एज डिस्क्राइब इन दी पैसेज? सिंपल, फॉल्स स्टेटमेंट मेड ऑन द इंटरनेट दैट हार्म समवन्स रेपुटेशन. देखो, पैसेज से रेफरेंस निकालना चाहूं तो भी मैं निकाल सकता हूं. दूसरा तरीका देख लेते हैं, मेकिंग हार्मफुल स्टेटमेंट ऑफ समवन इन पर्सन, काट दो. ऑनलाइन हैरेसमेंट, काट दो. अ फॉर्म ऑफ प्रोएक्टिव ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म, काट दो. बन गया ये. चलो फिर भी बता देता हूं, ऊपर आते अपन तो यहां पर ये यहां पर देखना, यहां पर तो देखो, यहां पर ये देखो, यहां पर ये देखो, डिफेमेशन रेफर्स टू मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट समवन दैट हार्म देयर रेपुटेशन. ऑनलाइन डिफेमेशन स्टेटमेंट, ये पूरी लाइन यहां से यहां तक आ गई. मिल गया, तो सीधे सीधे अपना आंसर यहां पर बन गया है. आगे बढ़ते अपन अब अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट एज मेंशनड इन द पैसेज? अब आ जाते हैं भैया 79 सेक्शन के ऊपर. तो सेक्शन नंबर 79 जो है, देखो ये लिखा हुआ, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट प्रोवाइड सेफ हार्बर फॉर इंटरमीडियरी सेइंग दैट दे आर नॉट लायबल टू थर्ड पार्टी कंटेंट. अब ये पूरी लाइन यहां से यहां तक की है. तो आ जाते हैं वापस अपने अपने क्वेश्चन के ऊपर. ये लिखी साहब ने, सेम बी ऑप्शन देख लो, सही ये लिखा है, सेम लिखा है, आंसर लगा दो बी. ठीक है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है. 62 पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू दी सुप्रीम कोर्ट इन श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, श्रेया सिंघल का जजमेंट दिया हुआ है यहाँ पर. ये देखो, ये रहा श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. अंडर वॉट सर्कमस्टेंस शुड इंटरमीडियरीज एक्ट इन रिस्पॉन्स टू कंटेंट रिमूवल? तो अपॉन अ वैलिड कोर्ट ऑर्डर और डायरेक्टिव. अब इसको पढ़ोगे ना, देखो यही बात यहाँ लिखी हुई है, मैं रीड कर रहा हूँ. इन विच सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट इंटरमीडियरीज आर रिक्वायर्ड टू एक्ट अपॉन अ वैलिड कोर्ट ऑर्डर. आ गई बात वही सेम, तो इससे ज्यादा में अपने को पढ़ने की नीड नहीं है. आ गया क्लियर अपना यहाँ पर, ये वाली बात ये क्लियर है बॉम्बे, है ना. अब आते हैं 63 के ऊपर. हाउ डज इंडियन लीगल सिस्टम बैलेंस द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट ऑफ रेपुटेशन इन ऑनलाइन डिफेमेशन केसेस? तो देखो, बाय केयरफुली एग्जामिनिंग द कंटेंट, कंटेक्स्ट एंड इंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट्स. अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, तो ये जो पैसेज है इसकी लास्ट पैराग्राफ को देखो, ऑनलाइन डिफेमेशन वाला. इसको आप पढ़ोगे ना यहाँ पर, तो आपको ये बात क्लियर, देखो ये लिखा, देखो कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट एंड इंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट, दिख गई ये लाइन लिखी हुई, तो क्लियरली इससे निकल के आ रही है बात यहाँ पर, बिल्कुल केयरफुली यहाँ पर ये लाइन लिख करके आ गई. तो 63 में क्या आंसर आ गया? सी आ गया. अब आते 64 पे. इन एन ऑनलाइन डिफेमेशन केस विच मस्ट द प्लेंटिव प्रूव, व्हाट मस्ट द प्लेंटिव प्रूव अबाउट डेरोगेटरी स्टेटमेंट? तो देखो, लास्ट लाइन देख लो पैसेज की, ये रहा, मस्ट प्रूव दैट द स्टेटमेंट वॉज फॉल्स डैमेजिंग टू देयर रेप्यूटेशन. अब एक बार बताओ, क्या यही बात लिखी है क्या? हाँ लिखी हुई है ना, तो क्या लग रहा है? डी लगाओ. अब आते हैं 65 पे. व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन डिफेमेशन केसेस? तो इंटरमीडियरीज क्या कर सकती हैं? टू एक्टिवली मॉनिटर एंड सेंसर कंटेंट. तो ये पहला ऑप्शन सही है. अब देखो बी देखो, टू एक्ट अपॉन प्राइवेट कंप्लेंट्स फॉर कंटेंट रिमूवल, नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा. To complete absolve themselves from the liability, ऐसा कैसे हो सकता है? हटा दो, मतलब देखते ही काटने वाला है. To encourage online defamation, मतलब ये तो बात ही उल्टी हो गई, कट गया सामने. क्या बचता है? ये आंसर बचता है ना. तो फिर से क्या हुआ, देखो कितना इजी, डायरेक्ट फ्रॉम द पैसेज था, है ना, तो इजी था ये. आगे बढ़ते हैं. अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा है. प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ पीरियोडिकल्स, एक तो थोड़ा सा नया टॉपिक है, तो अब अपन आ जाते हैं डायरेक्ट इसके ऊपर. तो अब अपन देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 66. अब आते हैं अपन. The PRP bill defines newspaper to mean a periodical of loose fold sheets usually printed in the newspaper and bought out daily. अच्छा, तो क्या समझ में आया? कागज पे प्रिंटिंग हो गई और वो चीज क्या है, रोज निकलती है या फिर once in a week, containing information on current events, public news or currents on public news. Who among the following is covered by the definition of a newspaper? तो newspaper की definition में क्या cover होगा? Simple बात है, देखो अब इस पे passage पे reference लेने की कोई need नहीं है. पहला देखो, Mr. X publishing news content on digital media. क्या passage digital media पे बना हुआ है क्या? अच्छा ये question बना हुआ है क्या? Newspaper की क्या बात हो रही है, जो print होता है ना, और कागज पे print होता है. तो आगे देखो भी, why publishing books? Book का कोई मतलब ही नहीं है. Comment on public and public news, ऐसी कहां बात आई? C देखने एक बार, Mr. Z publishing news content in print media on weekly basis. चल जाएगा क्या question के according? Yes, definitely चल जाएगा. Answer क्या आता है? C आता है ना? Clear है और बहुत easy है. Who among the following is not eligible to publish a periodic as per PRP bill? अब PRP bill के अंदर periodic कोई कौन नहीं publish कर पाएगा? देखो आप passage पढ़ोगे ना, तो passage में देखो clear cut lines लिखी हुई है
कि जो भी कोई क्रिमिनल होगा ना या जो भी कोई इस तरीके के एक्ट करेगा वो जो है, देखो ये लिखी हुई ये ना, रजिस्टर टू डिनाई द राइट टू ब्रिंग आउट पीरियोडिकल कैंसिल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल पर्सन कन्विक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्ट ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी, लिखी आ गई बात, ऑफ हैविंग डन एनीथिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो क्या ये वाली बात जो है ये चल जाएगी क्या? बिल्कुल चल जाएगी। तो एक बार ऑप्शन ए देखो, मिस्टर ए कन्विक्ट ऑफ वेजरिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस इंक्लूडेड। मिस्टर बी अक्यूज ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी, बिल्कुल इंक्लूड। मिस्टर सी अक्यूज ऑफ टेररिस्ट, इंक्लूडेड। तो आंसर क्या बन गया, ऑल ऑफ द अबव ले लूं, यस ले लूं, तो आंसर डी बनता है। क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। अब आपको अपने को देखना है इसमें थ्रेट क्या हो सकती है, कौन सी। अब पहला देखते हैं, लिबरल यूज ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट अगेंस्ट जर्नलिस्ट, रिफ्रेंस जर्नलिस्ट फ्रॉम ट्रैकिंग एंड पब्लिशिंग इन्वेस्टिगेशन आर्टिकल बेस्ड दे एप्रीहेंड दैट दे माइट बी लिंक्ड विद क्रिमिनल्स। भाई ये जरूरी नहीं है कि उनका रिलेशन क्रिमिनल से निकाल दिया जाए। देखो वैसे क्योंकि पता है क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बोथ ऑप्शन ए एंड बी भी दे रखा है ना। अब रही बात, बड़ा इजी है, ए एंड बी आंसर लगा दो। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम ये कैसे यहां पर अजम्पशन ले सकते हैं कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट, ये जो चीज है इससे ये एप्रीहेंशन निकलता है कि ये लिंक है, मतलब क्रिमिनल्स के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा बी ऑप्शन देखो, तो ए मेरी नजरों में नहीं है अच्छा। बी ऑप्शन देखो, यूज ऑफ सेडिशन लॉज अगेंस्ट जर्नलिस्ट अंडर द गाइज। अब देखो एक बार बताओ, क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए ये पॉइंट बी थ्रेट शो कर रहा है कि हाँ कर रहा है? कैसा, अंडर द गाइज दैट थ्रू देयर आर्टिकल्स दे आर प्रमोटिंग हेट्रेड एंड एक्साइटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो क्या पैसेज की थीम के अकॉर्डिंग बी बेस्ट आंसर है? अपना आंसर आएगा डेफिनेटली बी बेस्ट आंसर है। तो क्या लगाएंगे, बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, द पीआरपी बिल डिफाइंस स्पेसिफाइड अथॉरिटी टू मीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और सच अदर ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट और एज द केस में बी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। द पीआरपी बिल इज क्रिटिसाइज बाय एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ वॉट। तो देखो पहला देखते हैं, द डेफिनेशन इज स्पेसिफिकली ऑथर। पता है तुम्हें, अगर ये पैसेज पढ़ोगे ना ऊपर से लेके नीचे तक, तुम्हें हर पैराग्राफ में लगभग ये बातें मिलेंगी। तो जैसे तुम ऊपर से आओगे ना, तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ आपसे यही बात कर रहा है कि जो अथॉरिटी है वो बहुत वाइड है। तो ए ऑप्शन इसलिए कलेक्ट हो जाता है, फ्रॉम द लेवल ऑफ कलेक्टर्स। आप देखना ऊपर से आओगे ना, तो देखो यहां पर लिखा हुआ होगा ये स्पेसिफाइड अथॉरिटी में, देखो ये लिखा है ना, गिवन पावर टू द गवर्नमेंट एजेंसीज बियॉन्ड द प्रेस रजिस्ट्रार, है ना। तो ये वाली जो बात है उससे ये बात कवर हो रही है। तो ऐसे करते हुए जब तुम ऊपर से नीचे आओगे ना, तुम्हें पता चलेगा ये पहला कवर हो रहा है, ऑप्शन बी कवर हो रहा है, ऑप्शन सी भी कवर हो रहा है ना। ये ऊपर से बस पढ़ते जाओ आप, तो ऊपर से यहीं से शुरू हो जाओ बस आप, और नीचे तक पढ़ते आओगे ना आपको तीनों लाइनें मिल गई। तो इस अकॉर्डिंगली हमने यहां देख लिया, इसका मतलब हमें 69 में क्या आंसर लगाना पड़ेगा, दिल्ली लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट स्पेसिफिकली गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट इज इम्प्लाइड इन आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आपके दिमाग में आएगा भाई ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो पैसेज में दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन मेरे क्लासरूम स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं, मैंने 500 बार ये बात कही है, हम लोग हमेशा ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे अजम्पशंस लिए जा सकते हैं, देयरफॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, अब अपने को इसके अंदर बिल्कुल नॉलेज बेस्ड आंसर लगाना पड़ेगा। पहला देखो, फ्रीडम ऑफ प्रेस बीइंग अ फंडामेंटल राइट, नो लॉ कैन बी मेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिनाइल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स। अल्टीमेट बात हो गई, नहीं हो सकता, एक कट जाएगा। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, सही बात है, एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। क्या ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया, बॉम्बे बन गया। एक बार सी देखो, फ्रीडम ऑफ प्रेस बीइंग अ फंडामेंटल राइट जर्नलिस्ट एंड प्रेस एग्जाम फ्रॉम द ऑपरेशन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वरना आर्बिट्रेरीनेस नहीं आ जाएगी। तो सी काट दो, डी तो वैसे ही नन हो गया, तो वैसे डी कट गया, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। अब 71, पीआरपी बिल डिनाइज द राइट टू पब्लिश पीरियोडिक टू अ पर्सन हु हैज बीन फाउंड टू हैव कमिटेड अ टेररिस्ट एक्ट एंड हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन। तो अपने को सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रीजन ढूंढना है। पहले ये ऑप्शन देखते हैं, द राइट टू पब्लिश अ पीरियोडिकल इज डिनाइड बिकॉज क्रिमिनल्स डू नॉट पोजेस एनी फंडामेंटल राइट्स। भाई ये दिस इज रॉन्ग। See, criminals do possess fundamental right. Who has said कि criminal को कोई fundamental right नहीं मिलता है? Though their fundamental rights are suppressed by procedure established by law, that to due procedure established by law. तो ये option तो वैसे भी देखो कट गया यहाँ पे। B देखते हैं, the right to publish a periodical is denied because such a person is threat to the society and a nation. Doesn't match to our criteria, जो अपने को यहाँ पर चाहिए। सी देखो, the right to publish a periodical is denied because they may not be neutral in reporting and may incite violence and spread disaffection against the state being themselves involved in terrorist acts. अब देखो एक चीज समझो, B option को एक बार देखो, ठीक है? ये general option है कि भाई ये criminal है तो वो society के खिलाफ एक threat है और nation के खिलाफ भी एक threat है, तो वो all together ही वो एक threat है, सही बात है। लेकिन अपना question क्या पूछ रहा है,
अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति कोई भी पीरियोडिक क्यों ना छापे। तो एक बात समझो कि जो भी कोई भी पीरियोडिकल को पब्लिश करेगा, यानी कोई भी प्रेस या मीडिया होगा, तो उसके लिए इम्पार्शियलिटी होनी बहुत जरूरी है। रीजनेबली बट तो यही बात होगी कि वो इम्पार्शियल होना चाहिए। अभी बताओ, जब भी कोई क्रिमिनल होगा, तो जब भी कोई क्रिमिनल है और वो किसी भी तरह के टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व होगा, तो जब भी कभी वो ऐसी कोई न्यूज पब्लिश करेगा, तो वो क्रिमिनल है ही क्यों और इस तरह का काम ही क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो उसकी साइकोलॉजी है वो उस तरफ थोड़ी सी बायस्ड है। तो ऐसे में क्या वो इम्पार्शियल हो सकता है? आंसर होगा वो नहीं हो सकता है। तो गिविन चॉइसिस में से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन ढूंढना है। तो भी तो जनरल रीजन हो जाएगा, मतलब वो तो कॉमन बात है। मैं कह दूंगा भाई हर क्रिमिनल सोसाइटी के लिए एक वो है थ्रेट है, तो ये तो बहुत जनरल सी बात हो गई। पैसेज की थीम में क्या बैठा? सी बैठा। इसलिए मेरा अकॉर्डिंग, मुझे लगता है, हमें लगता है आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन अगले पैसेज के ऊपर। ओके, अब देखो आ जाए इस पे डायरेक्ट, है ना। देखो मैंने कुछ लाइंस है ना यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी अपन इनसे निकाल लेंगे, इनका रिलेशन भी निकाल लेंगे। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर लाल वॉज सफरिंग फ्रॉम अ रेयर डिजीज एंड द डेटा रिलेटेड वॉज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, सपोज DDPA exemptions of the government related data deemed necessary for research ठीक है। If the personal data is not to be used to take any direct decision specific to data principle and such processing is carried in or in accordance with such standard as may prescribed, which of the following is the most appropriate? अब भाई आपको सारी information इन्होंने यहाँ पर दे दी है। अब आपसे पूछ रहे हैं इनमें से सबसे ज्यादा appropriate चीज क्या हो सकती है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, एक लाइन दिखा रहा हूं यहां पर। डेटा कैन एग्जेम्पशन टू पर्सनल डेटा, फॉर इंस्टेंस डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेंशन डेटा इन्वेस्टिगेशन। तो देखो अब आप जब इसको टोटली पढ़ोगे ना, और ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बात है। अब जैसे देखो एक चीज करते हैं, द पर्सनल डेटा ऑफ मिस्टर लाल कैन बी प्रिजर्व बाय द गवर्नमेंट टिल द रिसर्च ऑफ रेयर डिजीज इज कंप्लीट, सही है, ये तो मान सकते हैं पैसेज पढ़ने के बाद। हाँ ये मान सकते हैं। एक बार बी देखते हैं, द डेटा कैन ओनली बी यूज फॉर टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग मिस्टर लाल, भाई ये पॉइंट तो नहीं बैठ सकता। एनी डिसीजन का मतलब तो कुछ भी, बिल्कुल डिफाइन तो हो, कुछ सर्टन तो नहीं। सी देखो, द पर्सनल डेटा ऑफ मिस्टर लाल हेल्थ कंडीशन एंड हिज पर्सनल डेटा कैन बी प्रिजर्व बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर एवर यूज फॉर द रिसर्च बाय देम विदाउट हिज कंसेंट, प्राइवेट की तो कोई बात भी नहीं की थी, हट गया। तो डी तो फिर अपने आप ही हट गया। तो गिवन चॉइसेस में से क्या बढ़िया आंसर मिला अपने को, ए आंसर अपने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। सपोज द DDPA 2023 provide exemption for the processing of personal data for the purpose of ascertaining the financial position of any person who has defaulted in payment of any due loan and ये। तो देखो अब ये क्या बोल रहा है, एग्जेम्पशन किस चीज के ऊपर है कि आप ना किसी का भी पर्सनल डेटा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना उसको एसेस करने के लिए नहीं ले सकते अगर उसने डिफॉल्ट किया होगी तो। मिस्टर एक्स कमिट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ ईएमआई ऑफ लोन टेकन फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक, अब अपने को आंसर निकालना पड़ेगा। तो पहला देखते हैं ए ऑप्शन, द बैंक कैन डिमांड एक्सेस टू एंड प्रोसेस पर्सनल डेटा ऑफ मिस्टर एक्स रिलेटिंग टू फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट फॉर विच मिस्टर एक्स, अजीब बात है, गलत ऑप्शन है, काट दो। फैमिली हिस्ट्री की कहां से बात आ गई और बीमारियों की कहां से बात आ गई। बी देखते हैं, द बैंक कैन प्रोसेस द पर्सनल डेटा ऑफ मिस्टर एक्स विज द पर्टिकुलरली ऑफ द फैमिली वाइफ चिल्ड्रन, भाई इतने लोगों की क्या जरूरत आ रही है, बी काट दो। द बैंक कैन प्रोसेस डेटा ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द पर्पस ऑफ एसेसिंग लायबिलिटीज ऑफ द डिफॉल्टर, क्या ये ठीक है भाई गिवन ऑप्शंस में से? तो यही ठीक है, तो क्या आंसर लगाएं? सी लगा दें, बिल्कुल सी लगा दो। डी लगा नहीं सकते, ऑल ऑफ द अबव नहीं मतलब है, क्योंकि ऊपर अपन ने वैसे ही काट दिए ऑप्शंस। आते हैं 74 में, सपोज मिस्टर वाई सिटीजन ऑफ इंडिया इज वर्किंग इन एन एमएनसी न्यूजीलैंड सिंस 2021, the MNC has obtained personal details of the employee for the purpose of recovering the amount of indemnity bond if Mr. Y left the job within 3 years of joining. अच्छा बेटा MNC कहाँ है? न्यूजीलैंड में है ना, कौन सा ऑप्शन लगा दे बताओ, भिड़ते ही सामने पढ़ लो। इज नॉट एप्लीकेबल सिंस डेटा इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, पैसेज की थीम क्या है, उस डेटा पे कंट्रोल, जो डेटा कहाँ है, इंडिया के अंदर है ना, ये डेटा तो पहले ही कहाँ है, बाहर है। अगर मैं इसमें से भी रेफरेंस निकालूं तो आ जाओ, चलो आ जाओ, अब आपको लगेगा सर ने रेफरेंस नहीं बताया, तो रेफरेंस बताता हूं। सिक्योरिटी एजेंसीज वाला ये जो है ना, यहां से पढ़ना शुरू कर दो। एनी व्हाटसोएवर द लॉ आल्सो एग्जेम्प्ट्स प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा हेल्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, मिल गई अपनी लाइन, तो अपना आंसर भी क्लियरली वहीं से निकल करके आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 75 में, इफ अ पर्सनल डेटा इज डिफाइंड एज एनी डेटा About an individual who is identifiable by or in relation to such a data, which of the following shall be classified as the personal data? अच्छा बेटा एक बार बताओ, आपके नाम से आपको identify कर सकते हैं क्या? ऊपर यही बात लिखी है, हाँ कर सकते हैं। Residence दे दें तो identify हो जाएगा आदमी, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। आधार नंबर से होता है, 100% होता है, तो आंसर क्या बनेगा? Delhi, all of the above. 76 पे आते हैं, In which of the following case the access to personal data shall be granted and the person whose data is accessed and processed cannot claim digital personal data protection? अब क्या करें? पहला देखते हैं,
Mr. Z has committed many robberies and police want to access his Aadhaar details and fingerprints for the purpose of tracing Mr. Z. कर सकती है क्या? हाँ ये कर सकती है. ठीक है. दूसरा देखो. It is apprehended that a person identified as Mr. G would spread hatred among the various communities, which would lead to the riots. Police intends to use the mobile number of the person to Mr. G for the purpose of preventing such crimes. देखो बेटा इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी. अब मैं तुम्हें बता देता हूँ क्यों ले रहा हूँ. ठीक है. ऊपर देखते हैं पैसेज में. मैंने शुरू में दिखाया था कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स को हाईलाइट किया था. पढ़ो ये. However, it could be said that law is in balance because it provides wide exemption to the processing of personal data to the government. एक तो ये पॉइंट था. तो यानी गवर्नमेंट कर सकती है. दूसरा देखो. कॉन्स्टेंट डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेंशन डिटेंशन इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एनी ऑफेंस इन इंडिया. आगे लाइन. तो ये जो अपन ने तीन चार लाइनें पढ़ी आगे उससे बात अपनी. तो आंसर क्या बना अपना परफेक्टली यहां पर बोथ ए एंड बी है ना. देखो नीदर ए एंड बी नहीं लेना है अपने को. नीदर क्यों नहीं? क्यों फिर तो अपन मतलब वो जो अपन ने लाइनें पढ़ी वो वेस्ट हो गई. तो डी नहीं बन सकता. तो आंसर क्या बनेगा? सी बन जाएगा. आते आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब करेक्ट क्या होगा? पर्सनल डेटा कलेक्टेड बाय अ हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर कैन बी सोल्ड. देखो बेचने की बात कहीं नहीं हुई है. टू देन इंश्योरेंस एजेंसी बाय द सर्विस प्रोवाइडर. काट दो इस ऑप्शन को. पर्सनल डेटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट कैन बी यूज फॉर वॉट एवर पर्पज. देखो ये पॉइंट तो है ही है. हाँ सरकार कर सकती है उसको यूज ना. सी देखो. पर्सनल डेटा कलेक्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी कैन बी सोल्ड टू मोबाइल. फिर वो बेचने की बात आ गई. काट दो इसको. और एक डी है ऑल ऑफ द अबव. फिर जब बनता ही नहीं है तो डी भी कट जाएगा है ना. चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले पैसेज. देखो ये वो वाला है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज वाला. सेप्टेम्बर 1 सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी. बेटा अगर बात की जाए ना इनहेरिटेंस की तो क्लास में बहुत पढ़ाया हमने ये हिंदू मैरिज एक्ट इनहेरिटेंस और ये सब है ना भर भर के पढ़ाया हुआ है. पैसेज कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है ना. थोड़ा ज्यादा दिया इसमें. चलो कोई नहीं क्वेश्चन देखते. आशिमा एंड अशोक गॉट मैरिड टू ईच अदर ऑन अ ट्रेडिशनल हिंदू सेरेमनी इन कोलकाता. आफ्टर बींग दे बोथ मूव टू यूएसए. अशोक हैड अ जॉब इन यूएसए. दे हैड अ चाइल्ड हुम दे नेम गोगोल. मैनी ईयर्स लेटर आशिमा फाउंड अशोक वॉज ऑलरेडी मैरिड टू सुषमा फॉर देयर वेडिंग. तो पहली शादी किससे है? सुषमा से है. तो पहली बीवी तो सुषमा है. तो दूसरी कौन है? आशिमा है. तो आशिमा के साथ अशोक की शादी क्या है? वॉइड है. लेकिन अगर बच्चा हो वो चाहे वॉइड मैरिज से हो चाहे वॉइडेबल से हो चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो सबको शेयर मिलता है. आगे बढ़ते हैं. आशिमा ये पता चल गया. अशोक एंड सुषमा ऑल्सो हैड अ चाइल्ड फ्रॉम देयर मैरिज अर्पिता है ना. अब अशोक एक्सप्लेन टू आशिमा ऑल दो. अब ये देखो चल रहा है यहाँ पे सब सिंपल चलता जा रहा है. सीक्रेट सिंस द पेरेंट्स ये वो चलने दो. आशिमा इज शॉक्ड अबाउट ये चलने दो. बहुत दुख हुआ है उसको. शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज सो दैट गोगोल डोंट लूज हिज इनहेरिटेंस. अब मेन पॉइंट अपना है गोगोल को उसके पिताजी की इनहेरिटेंस दिलानी है फ्रॉम द साइड ऑफ द फैमिली. बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट पोजीशन रेस्पेक्ट टू गोगोल्स. तो इस समय हमारा प्राइम फोकस गोगोल है. तो पहला देखते हैं. गूगल कुड क्लेम द एंटायर ऑफ अशोक शेयर ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. नहीं अगर गूगल ही ले लेगा तो बाकी इसके जो भाई बहन है वो क्या करेंगे. ऑप्शन नंबर बी देखो है ना. हाँ और वैसे भी देखो पैसेज किसकी बात कर रहा है? पेरेंट्स की बात कर रहा है ना. गूगल वुड इनहेरिट द एंटायर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सन ऑफ अशोक. ऐसा नहीं हो सकता. बाकी भाई बहन भी तो लेंगे शेयर. सी गूगल वुड इनहेरिट हिज शेयर फ्रॉम विद इन अशोक शेयर. तो क्या बात हुई? अशोक के पास 100 है. अगर जिस जितने बच्चे उस हिसाब से डिवाइड होगा तो गूगल के पास उसका शेयर तो आना ही है ना. ऑफ फुल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विदाउट प्रिजुडाइज. तो अपने पापा की ले सकता है एंसेस्टर्स की ले सकता है विदाउट प्रिजुडाइज इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर लीगल हेयर इंक्लूडिंग अर्पिता. विदाउट प्रिजुडाइज का मतलब है अर्पिता को जो मिलना है वो तो अर्पिता को मिलेगा ही मिलेगा. तो अकॉर्डिंगली अपना बेस्ट आंसर क्या बन गया इसका? सी बन गया. चलेगा आगे बढ़ते हैं. In the above fact of the above scenario, consider a property that was purchased by Ashok from his own earnings in USA. Therefore, not making it part of ancestor, but instead falling in category self-acquired property. Upon Ashok's that, who would have inheritance right over the said property? बहुत सिंपल है. वैसे तो देखो पैसेज तो बच्चों पे बेस्ड है ना बच्चों पे. तो अर्पिता और गूगल को तो दिलवा दे है ना. तो फर्स्ट वाइफ कौन थी बताया था मैंने पहले? सुषमा. तो सुषमा को दिलवा दो. अब रही बात कोई जैसे बहुत सारे बच्चे बी लगा देंगे सुषमा आशिमा अर्पिता गूगल. तो देखो बेटा एक बात समझ लेना कि जो आशिमा है ना वो सेकंड वाइफ है और सेकंड वाइफ के साथ मैरिज वॉइड होती है और सेकंड वाइफ को इनहेरिटेंस में कोई अधिकार नहीं होता. उसको कुछ भी नहीं मिलता. कोई उसको मेंटेनेंस भी नहीं मिलती है. सो गिविन चॉइसेस में से क्या आंसर बनेगा? सी बन पाएगा. दो थोड़े सा एक्स्ट्रा नॉलेज की यूज है मगर गिविन चॉइसेस में से हम सी पकड़ेंगे. सी को ही लेंगे है ना. तो सी मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है. आगे बढ़ते हैं. बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज हाउ डिड द हिंदू मैरिज एक्ट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द केस ऑफ इनहेरिटेंस. सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस. तो पहला देखते हैं. द अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ग्रांट लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइडेबल मैरिज. बस एक ही की बात कर रहा है ना. अच्छा तो एक बार बताओ सी देखना एक बार. द अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ग्रांट लेजिटिमेसी स्टेटस टू चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज एंड देयरफॉर दिस शुड बी आल्सो एक्सटेंड टू हिंदू सक्सेशन एक्ट. क्या ये बात लिखी हुई है पैसेज में?
यही बात लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे ना इन बिटवीन द लाइंस, तो आप पढ़ना यहाँ पर, तो जो अप्रोक्सीमेटली जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ पढ़ लेना, ठीक है, उससे आप इस आउटकम पे आ जाओगे। डन। तो अपना क्या आंसर आ गया, जो है ना थर्ड पैराग्राफ में लाइन बता लो। चलो थर्ड पैराग्राफ में लाइन है आपके लिए यहाँ पर, द चीफ जस्टिस वाले, यहां से पढ़ना, ठीक है। पॉइंटेड आउट चिल्ड्रन फ्रॉम वाइड एंड वाइडर मैरिज वुड हैव द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड देयर इज अ ग्रांटिंग लेजिटिमेसी, और ये आ गया हिंदू मैरिज एक्ट सक्सेशन एक्ट वाली बात यहाँ पर आ गई। मेरे क्रॉस हेयर को देख लेना, है ना, ये पूरी लाइन पढ़ ली। क्या आंसर है फिर, तो पक्का अपन सही चल रहे हैं इसका मतलब, है ना। तो अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पर, सी आ गया अपना आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, 81 पे आ गया अपन। 12 ईयर ओल्ड कौशल्या वॉज मैरिड ऑफ टू 23 ईयर ओल्ड दशरथ इन हर मैटरनल होम इन यूपी। She completed her education after marriage, went on to job as a teacher, as a government. Dashrath family, however, opposed to taking up job और ये सब चल रहा है। राम लक्ष्मण कौशल्या, however, very excited about her new job, sought advice from her younger sister Varshini, who was trained a lawyer. Varshini advised her that since she was married before she turned 18, her marriage was voidable and she could get it. Okay, ठीक है। कौशल्या was not very happy in her marriage, consider this option, but it was a real sense may lose inheritance. तो बेटा अभी अभी बताया मैंने, है ना। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिनोट स्टेटस ऑफ राम एंड लक्ष्मण इन इनहेरिटेंस ऑफ देयर फादर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो देखो बेटा दोनों ही इनहेरिट कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द वॉइडेबल स्टेटस ऑफ देयर पेरेंट्स मैरिज। लगा दे बी आंसर, परफेक्ट बी, है ना। देखो कोई और पॉइंट बनता भी नहीं है। ए ऑप्शन देखोगे उड़ा दो इसको, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। सी देखोगे तो यहाँ क्या आएगा, हर सन्स वुड लूज ऑल दी राइट्स, और अगर शादी अनुल करवा दी तो सब अखड़ जाए, किसने कह दिया ये पैसे में नहीं दिया हुआ। डी देखो, राम एंड लक्ष्मण कैन ओनली इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर मदर साइड, कार्ड दो इसको आप। कोई बात पापा के साइड की हो रही है, पिताजी की होगी। बॉम्बे आ गया आंसर, क्लियर कट है। आते 82 पे, अजय इज मैरिड टू टू वुमेन, दिया एंड रिया, एंड बोथ डोंट नो ईच अदर। ही वॉज मैरिड टू दिया फर्स्ट एंड देन दे वर बोथ अराउंड 23 ईयर्स ऑफ एज एंड स्टडिंग टुगेदर इन कॉलेज। तो पहली बीवी यानी दिया है और बाद में रिया है। दे हैव नो चिल्ड्रन, लेटर दे गॉट मैरिड टू रिया, he got married to Riya in a temple and she had no idea about her first marriage to Diya. Ajay and Riya have two children, Raj and Rani. One day Riya find out Diya, और देखो she wants to divorce Ajay but finds out marriage. अब क्या ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है क्या? बिल्कुल सेम है। At the law she go to as lawyer, finds out the right of her children inherited. What is the most legally sound advice that lawyer can give to her? तो आप कुछ सोचो सबसे ज्यादा legally sound advice क्या होगी? ये देख लेते हैं। He would say that her children can still inherit property from Ajay thanks to the Supreme Court judgment. क्या Supreme Court का judgment यही कहता है? हाँ बिल्कुल यही कहता है। अगर आप passage की शुरुआत में चले जाओगे ना, तो passage की शुरुआत ही यहाँ पर Supreme Court के judgment से आ रही है। ये वाला पहला paragraph पढ़ लेना तुम, तो पता चल जाएगा बात बिल्कुल वही है। So given choices में से अपन क्या करें, अपन बिल्कुल इसका आंसर अहमदाबाद ए लगा रहे हैं, ठीक है। बी देखते हैं, he would advise her to get married, काट दो इसको, गलत है ऑप्शन। he would advise her to ignore, काटो। He would advise her to speak, काटो। देखो सामने क्लियर कट दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, इन द अबोव सिनारियो रिया वॉन्ट्स टू नो इफ देर इज एनी वे इन विच द जजमेंट कैन कम टू हर एड वाइल इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अजय, वॉट वुड बी द करेक्ट पोजिशन। तो देखो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये पढ़ो एक बार, शी कैन नॉट इनहेरिट प्रॉपर्टी मेरली जस्ट बिकॉज द जजमेंट टॉक्स अबाउट राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड मैरिज। यस, द जजमेंट इज ओनली टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। तो ये अपना आंसर बनता है इसका। बाकी देखो, यस 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 तो हो ही नहीं सकता। शी वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एज दिया सिंस दे आर बोथ वाइफ्स एंड गॉट मैरिड। नहीं, कट गया। क्या बचता है? यही बचता है फिर, गिवन चॉइसेस में से ये परफेक्ट है। आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना। श्रीमतीज फर्स्ट मैरिज वॉज वॉइड ड्यू टू बींग विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। धनलक्ष्मी हुई डॉटर ऑफ श्रीमती फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज कन्फ्रंट्स हर मदर once she find her identity demanding her share of mother's ancestral property. Shrimati however subsequently married Drupad and has two daughters named Ira Shira and is not interested in giving any property to Dhanlakshmi. Dhanlakshmi decide to assert her right in court of law. Would Dhanlakshmi be determined? To dekho ये ऑप्शन देखते हैं। धनलक्ष्मी वुड नॉट हैव एनी राइट इन हर मदर शेयर। नहीं, पैसेज में मदर या फादर का क्लियर ऐसे नहीं दिया हुआ, इनहेरिटेंस है ना, प्रॉपर्टी के ऊपर बात चल रही है। तो भी देखो, धनलक्ष्मी को डिमांड नोशनल पार्टीशन टू गेट शेयर फ्रॉम श्रीमती पोर्शन ऑफ आवर एंसेस्टर। बिल्कुल क्यों नहीं, पैसेज पढ़ लो। बॉम्बे है ना, बी बिल्कुल सही है। सी देखो, बीइंग अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉइड मैरिज हैज नो राइट्स, किसने कह दिया? ऊपर का ही कह रहा है, सी काट दो। इज दी श्रीमती डिसीजन, इट इज श्रीमती एज टू हु शी गिव्स राइट, मतलब ये तो कैसी बात हो गई। तो सी डी को काट दो। तो गिवन चॉइसेस में से क्या बचता है अपने पास? सिंपल सिंपल ऑप्शन नंबर बी बचता है ना। चलिए,
main CLAT 2024. Thank you so much.